अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। आई एम हमजा अब्बास, योर इंस्ट्रक्टर फॉर एनवायरमेंटल साइंस। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आखिरी मॉड्यूल, जो कि बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, एक छोटा सा मॉड्यूल है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है। और आगाज़ हम करेंगे अप्रोचेज टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के साथ। हमारा जो मॉड्यूल है, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके ऊपर मबनी है। और शुरुआत हम करेंगे जिसके अंदर हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के जो अप्रोचेज हैं, और उसके आगे फिर उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड हाउ दे वर्क। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, वील स्टार्ट विद दी अप्रोचेज टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, तो हम क्या अप्रोचेज हैं जिनको लेके चलते हैं। तो अगर मैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि उसकी अप्रोचेस का जिक्र करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होती क्या है। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टू बिगिन विद। देखिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज, अब देख आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ के आ गए हैं, ठीक है, पिछले वाले मॉड्यूल के अंदर। सो यू नो कि सस्टेनेबिलिटी के हमारे रूल्स क्या है, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करने हैं, प्लस अपनी सोशल सेटिंग्स को हमने किस तरह से मैनेज करने हैं कि वो इन्वायरमेंटली फेवरेबल हो। दिस इज नोन एज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन अ नटशेल। बहुत ही आसान अल्फाज में यही बात है कि आप अपनी रिसोर्सेज को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं इन अ मैनर कि वो उनके जो रेपरकशन हैं वो इन्वायरमेंट पर कम से कम, प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस के लिए आप ओवरऑल अपनी नॉर्मल सोशल सेटिंग्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के एम्बिट के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल अप्रोच की। टेक्नोलॉजिकल अप्रोच क्या है? टेक्नोलॉजिकल अप्रोच वो तमाम आप कह सकते हैं नैरेटिव्स हैं जिनके अंदर वी सी अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, या वी सी वन ऑफ द टू अप्रोचेस बीइंग फॉलोड, दैट इज द मिटिगेशन अप्रोच या जो है आपकी अडेप्टेशन अप्रोच। ठीक है जी, ये दो अप्रोचेस अगर फॉलो की जा रही हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग बाय द वे पढ़ चुके हैं हमारे पिछले जितने भी मॉड्यूल्स थे उनमें, आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है वो बहुत ही डिटेल में कवर हो चुका है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम मिसाल लें टेक्नोलॉजिकल अप्रोच के अंदर एक सब कैटेगरी किसकी आती है, दैट इज ऑफ प्रेजर्वेशन। प्रेजर्वेशन की हमारे सामने क्या मिसाल है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिक्लेयर एन एरिया नेशनल पार्क, ठीक है, हमने उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, एक टेक्निकल अप्रोच है, यानी हम लोगों ने उसके अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी जो है उसको लाजिम ही नहीं करार दिया कि वहां पे कोई उस एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंटल मसले मसाइल आ सके। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान की 12-13 कम से कम नेशनल पार्क्स हैं। आप बड़ा फेमस है दियोसाई नेशनल पार्क, लुलूसर नेशनल पार्क, लेक सैफुल मलूक नेशनल पार्क, अयूबिया नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क का मतलब क्या है कि वहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी जिसकी वजह से वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई हार्म आ सके। ठीक है जी, सो दिस इज लाइक वन काइंड ऑफ कैटेगरी जिसके अंदर हम प्रिजर्व कर रहे हैं नेचर को उसी तरह जिस तरह से वो मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, जो कि वैसे आई मस्ट से कि ये वाली पर्टिकुलर जो कैटेगरी है ये हमारे पिछले वाले मॉड्यूल में सच कवर नहीं होती, क्योंकि इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी सिलेबस के लिहाज से, और इसके अंदर हमें डेल्व करने की ऐसी जरूरत नहीं थी। जो हम लोगों ने एक्सटेंसिवली कवर किया है वो किया है कंजर्वेशन को और रिस्टोरेशन को भी। ठीक है जी, कंजर्वेशन में क्या आता है? इफ यू टॉक अबाउट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या है कि हम कंजर्व करते हैं आपके पर्टिकुलर जो एरियाज हैं उनको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारी जो टेक्निक्स आ जाती हैं दे आर रिसाइकलिंग, रीयूज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। फर्क क्या है कि हम इसमें और प्रिजर्वेशन में क्या फर्क था? इसमें प्रिजर्वेशन में फर्क ये है कि प्रिजर्वेशन में जहां आप नेचुरल एनवायरमेंट को एज इट इज जो है प्रिजर्व करने की कोशिश करें, यहाँ पे आप कंजर्व करें अपनी एनर्जी को, अपनी रिसोर्सेज को, यानी जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो चुकी हुई हैं उनको हम कंजर्व करने की बात करें। इसलिए हम रिसाइकलिंग और रीयूज को इस कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं, जो कि हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक्सटेंसिवली कवर किया है। इन द सेम मैनर अगर आप बात कर लें रिन्यूएबल एनर्जी की, सो रिन्यूएबल एनर्जी इज इन वन वे और द अदर अ कंजर्वेशन अप्रोच। राइट, क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर आप वेरियस अदर फॉसिल फ्यूल्स की जगह आप वेरियस अदर मीन्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके तहत आप फॉसिल फ्यूल्स की जो और बाकी आपके रिसोर्सेज हैं जो कि रिप्लेनिश नहीं हो सकती हैं, जो कि बाद में फिल नहीं हो सकती हैं, ठीक है, उनको आप सरकमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप फिर आप
आप सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, आप बाकी डिफरेंट जो है मोड्स ऑफ एनर्जी जो कि अल्टरनेटिव भी हैं और ग्रीन भी हैं उनकी तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर एक हमारी आ जाती है रिस्टोरेशन अप्रोच। रिस्टोरेशन क्या होती है? रिस्टोरेशन के अंदर आपकी अप्रोच आती है जिसके अंदर वी आर रिस्टोरिंग द एनवायरनमेंट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, राइट। यानी खराबी आ गई है, अब उसको हम रिस्टोर करने की बात करें। फॉर इंस्टेंस एक लेक है जिसके अंदर यूट्रोफिकेशन हो गई है, यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा, यूट्रोफिकेशन हो गई है तो उसको हम अगर रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिस्टोरेशन अप्रोच। उसके अंदर हमें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती, देयर इज अ स्पेसिफिक टेक्निक जिसको फॉलो करके हम लोगों ने करना है, जस्ट लाइक वी आर फॉलोइंग टेक्निक्स, पर्टिकुलर टेक्निक्स इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन अप्रोच एज वेल, ठीक है। इसी तरह से रिस्टोरेशन के अंदर भी देयर इज अ सर्टेन टेक्निक व्हिच वी फॉलो, साइंटिफिक टेक्निक जिसके तहत हम रिस्टोर कर रहे हैं। यूट्रोफिकेशन की आपके पास एग्जांपल है, आपके पास वाटर लॉगिंग या सैलिनिटी की है जिनको ठीक करने के लिए हम बहुत से इकदाम उठाते हैं जिनके बारे में पिछले मॉड्यूल्स में जिक्र हो चुका है। प्योरिफिकेशन ऑफ एयर की बात कर लें आप, जब हमने स्मॉग पढ़ा उसके बारे में जिक्र किया। और ऑल इन ऑल अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज की जितने भी मिटिगेशन और अडैप्टेशन अप्रोचेस आती हैं वो मोस्टली आपकी रिस्टोरेटिव अप्रोचेस के एम्बिट में आती हैं। अंडरलाइंड बात क्या है, व्हाट इज द अंडरपिनिंग व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, वो ये है कि इसके अंदर आपकी कोई ना कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक अप्रोचेस या टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एनवायरमेंट के जो सब्जेक्ट है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप एनवायरमेंट को ओवरऑल बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वी डू नॉट रियली नीड टू कंसल्ट विद अ लॉट ऑफ विद पीपल ऑल ओवर, वी डू नॉट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स जिनके साथ हमने कंसल्ट करना है उसके बाद जाके हमने करें। दैट इज वाई दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। सो दिस इज मोर ऑफ ए आप कह सकते हैं थियोरेटिकल अंडरपिनिंग ऑफ वॉट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस मॉडल्स और मॉड्यूल्स में जो हम लोगों ने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आपकी है कि अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो किस एम्बिट में किया है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। एक तो हमारी टेक्नोलॉजिकल अप्रोच थी जिसके अंदर हम लोगों ने नहीं किया किसी और को कंसल्ट, एक आ जाती है आपकी पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच एज द नेम सजेस्ट इसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं और one of the most important stakeholders is the community at large. Community ko aap kis tarah se mobilize kar sakte hain ek particular environmental goal ko achieve karne ke liye, this is known as the participatory approach. Iske andar takriban 6 jo hain tangents nikalte hain, iske 6 nuances nikalte hain. First is the passive participation. Kya hai passive participation? Jiske andar community participate karti hai by being told about things to be done, yani aap unko set of rules de dete hain and they have to participate accordingly. This is a participatory approach. यानी कोरोना को फाइट करने के लिए जो अप्रोच इस्तेमाल की गई जहाँ पे वो टेक्नोलॉजिकल भी थी वहाँ पे वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी थी क्योंकि आपने एक सर्टन सेट ऑफ SOPs दिए अपनी आवाम को कि वो फॉलो करें और वो फॉलो करेंगे तभी जाके आप एक जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है और हेल्थ हैजर्ड है कोरोना वायरस का उसको आप टैकल कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच के अंदर पैसिव पार्टिसिपेशन। फिर आपकी आ जाती है पार्टिसिपेशन थ्रू इन्फॉर्मेशन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप पब्लिक से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस गैदर्ड इन्फॉर्मेशन के तहत आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं और उस पॉलिसी मेकिंग को आप फिर एक टेक्नोलॉजिकल शक्ल देने की कोशिश करते हैं। किस तरह की जाती है? ये की जाती है मास लेवल सर्वेज के थ्रू, हेल्थ सर्वेज, एनवायरमेंटल सर्वेज ऑफ ऑल काइंड, ये तमाम चीजें जो है आपकी पार्टिसिपेशन थ्रू इन्फॉर्मेशन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का, लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।